फिर आगे एक और GTA 5 एक्सपेंड एंड एनएस की गेम प्ले वाली वीडियो में, और भाई लोग पिछले वाली वीडियो की बात करें तो पिछले वाली वीडियो में हमने US गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर था जो कि एलियनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था, उसे चुरा के हमने और एलियनों को ही दे दिया था। और अब देखना है हमें क्या करना है भाई, क्या था उसके अंदर ऐसा जो भाई एलियनों के लिए इतना खतरा बना हुआ था, है ना। तो आज देखते हैं क्या है, और आज की वाली वीडियो में अगर मजा आए तुम्हें तो पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भर के। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमने जो है एक पायलट की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। और भाई तुम ये कहोगे कि यूनिफॉर्म पहनने से पहनी शक्ल भी चेंज हो गई, तो भाई ये जो शक्ल चेंज करने का करिश्मा है ना, ये एलियनों का दिया हुआ एक मास्क है। तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या था। तो भाई अभी हमारे पास लेस्टर का फ़ोन आया था इसी होटल की सिक्योर लाइन के ऊपर, और लेस्टर ने कहा था कि एलियनों ने उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी थी। तो भाई उन्हें ये पता लगा कि हेलीकॉप्टर जो था, मतलब भाई कुछ अपने आप से अलग से नहीं बनाया, वो क्विनजेट को ही अपग्रेड करके उसका सब कुछ बड़ा बड़ा करके और क्या कहते हैं वैसा करके, मतलब तकड़ा सा, और उसे हेलीकॉप्टर का नाम दे दिया। और इस बात पर भाई एलियन एकदम भाई चिड़े हुए थे भर के, और वो ये कहते थे कि अब हम इन्हें US वालों को नहीं छोड़ने के। भाई आवाज़, खैर तो भाई वो ये कहते थे कि हम इन्हें US वालों को नहीं छोड़ने के। और भाई अभी कुछ दिन हो चुके हैं तो उन्होंने जो है उसके बात उसके बारे में समझ भी लिया हेलीकॉप्टर के बारे में, और अपने आप से भी उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। और अभी क्या करते हैं, वो हेलीकॉप्टर जो है और भी ज़्यादा अल्टीमेट फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है, और इन कह रहे हैं कि हमें US का प्रेसिडेंट चाहिए। तो उसके लिए लेस्टर ने हमें मिशन दिया है। लेस्टर ने कहा है कि तुम्हें भाई जो US के प्रेसिडेंट का प्लेन है Air Force 1, उसका पायलट बन के जाना है। उसके लिए भाई जो उसके पायलट की जैसी शक्ल दिखती है ऐसा मास्क एलियनों ने बना के दिया है हमें, जिससे कि मतलब एलियन होता है ऐसा मास्क बना सकते हैं कि अगर हम उसे लगा लें तो हम किसी की शक्ल बना सकते हैं, चाहे तो US प्रेसिडेंट की बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भाई पायलट है उसकी शक्ल अभी हमने बनाई हुई है और यूनिफॉर्म भी पहनी हुई है पायलट की, पायलट को लेस्टर ने पहले उठवा लिया। तो अभी क्या है, हम पायलट बन के जाने वाले हैं वहाँ पे, और हम क्या करेंगे भाई, US प्रेसिडेंट को कहीं जाना है तो हम प्लेन लेके चलेंगे, और US प्रेसिडेंट का जो प्लेन होता है Air Force 1, उसके आसपास भी काफ़ी सिक्योरिटी रहती है वैसे, मतलब फाइटर जेट वगैरह उड़ते रहते हैं। लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है उसमें क्या है, अगर आसपास वाले फाइटर जेट उस प्लेन के ऊपर अटैक कर दें तो पायलट जो है एक स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करके उस प्लेन को कम्प्लीटली स्टेल्थ बना सकता है, रडार से गायब कर सकता है और US प्रेसिडेंट की जान बचा सकता है। तो हम क्या है उसी प्रोटोकॉल का यूज़ करने वाले हैं US प्रेसिडेंट को उठाने के लिए। तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे ही मिड एयर में अपना रूम तो कर देंगे लॉक, जो पायलट का कॉकपिट होता है उसे पूरी तरीके से कैसे लॉक कर देंगे, और फिर क्या कहते हैं वहाँ पर उस प्रोटोकॉल का यूज़ करके, और भाई अपने प्लेन को पहले तो उनकी रडार से गायब कर देंगे जिससे कि वो हमें भाई पकड़ ना पाए, ढूंढ ना पाए, कुछ कर ना पाए, और फिर जो है उड़ा के अपर अर्थ ऑर्बिट में ले जाएंगे हेलीकॉप्टर के पास। और हेलीकॉप्टर की ग्रेविटी जो है एलियन कह रहे हैं कि वो फिर Air Force 1 को खींच लेगी अपने अंदर, और बस वहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा जैसे वो उसके ग्रेविटेशन फील्ड में आएगा, क्योंकि उन्होंने भाई आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर रखी है हेलीकॉप्टर के ऊपर एलियनों ने। तो हमें क्या है, कॉकपिट का जो सामने वाला शीशा होता है विंड स्क्रीन, उससे विंडशील्ड उसे तोड़ के गन से और भाई बाहर निकल जाना है, और भाई जंप मार के नीचे और आ जाएंगे भाई हम अपने जगह। ठीक है, हेलीकॉप्टर को वो लोग इनविजिबल रखेंगे, वो हमें भाई उसकी ग्रेविटी उससे पता लग जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा हमें मतलब। और बात करें भाई आज की गाड़ी की, तो भाई आज हमारे पास है LA Ferrari भाई, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल, जो भाई फरारी का एकदम बेहतरीन टॉप मोस्ट लाइक कार है, और भाई साहब ये भक्ति भी काफ़ी ज़्यादा तेज है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना अच्छा स्पीड टेस्ट हो नहीं पाने का, वैसे नीचे एक हाईवे आ रहा है उस पर करूँगा स्पीड टेस्ट, है ना। लेकिन भाई इसका एक बार ये देखो, ये देखिए भाई ऐसी पटपट सी हो रही है भाई बुलेट की तरह, भाई ये काफ़ी बेहतरीन लग रही है चीज़। ओ भाई भाई अलग ही बात है, अरे फरारी के इंजन की तो। और भाई साहब बात करें इसके स्पेक्स की, तो इसके अंदर है 6.3 लीटर का V12 इंजन, और साथ की साथ में 120 किलोवाट का मोटर। हाँ ये एक हाइब्रिड कार है, इसे भाई इलेक्ट्रिसिटी का भी चलता है सिस्टम और इंजन का भी, है ना। और अभी क्या कहते हैं, इसकी टॉप स्पीड इतनी तेज नहीं है, ये 150 तो आराम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन भाई फील पूरी आ रही है फरारी वाली। इसमें भाई गेम के अंदर जो है स्पीड थोड़ी सी लिमिट कर रखी है, अभी जैसे 180 पे चल रही है कार और 180 पे जाकर अटक गई, तो 180 इसकी टॉप स्पीड है, 180 पे अटक गई जाके, तो भाई स्पीड लिमिट कर रखी है इसके अंदर। यो
भाई हिंदी वाला चार बना दिया, हिंदी काउंटिंग वाला। तो भाई ये है इंटीरियर, ये भाई क्या कहते हैं यहाँ पे ये आरपीएम वगैरह का वो लग रखा है, और ये भाई सामने फरारी का लोगो, भाई स्टेयरिंग भी वही है फरारी वाला एकदम ऐसा सा जो ऐसा होता है एकदम स्पोर्ट्स कार वाला जैसे F1 कार हो, है ना। और भाई दो बंदे बैठ सकते हैं जस्ट लाइक यूजुअल फरारी। ठीक है भाई लोग, तो आ चुके हैं हम एयरफोर्स वन के अंदर। ये भाई US प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन, और एक बार मैं तुम्हें इसे अंदर से दिखाता हूँ। भाई ये है पूरा क्या कहते हैं कॉकपिट, हमने पीछे से लॉक कर रखी है, अकेले पायलट है हम आज। हमने कह दिया कि भाई बाकी के पायलट जो हैं छुट्टी पे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं यहाँ पे भाई पूरा ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल वगैरह है, पीछे से जो US का आर्मी बेस है वहाँ से प्लेन्स भी आते ही होंगे, तो हमें क्या कहते हैं इसे फटाफट उड़ाना पड़ेगा। और ये भाई काफ़ी बड़ा भारी प्लेन होता है तो इसे उड़ाना भी आसान चीज़ नहीं है, लेकिन भाई कोई नहीं, इतना तो अपने को एक्सपीरियंस है। हमने B2 बॉम्बर उड़ा रखा है भाई, बस तू उड़ जाइए यार। B2 बॉम्बर फिर भी आर्मी का था। ओ भाई रनवे के बिल्कुल एज से उड़ा है, या तो भाई ये रनवे थोड़ा सा छोटा है, आर्मी वाला रनवे कुछ ज़्यादा ही लंबा होगा, क्योंकि भाई वो कुछ भी हो US आर्मी का रनवे है तो इसलिए भाई वो कुछ ज़्यादा ही लंबा बड़ा होगा। ठीक है भाई अब करते हैं प्रोटोकॉल एक्टिवेट, और भाई अब ये लोग ना तो इस पर लॉक कर पाएंगे ना ही रडार से क्या कहते हैं कुछ वो कर पाएंगे, इन्हें रडार का कुछ सिग्नेचर मिलेगा। और हम भाई इसकी स्पीड भी 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं प्लेन की, और ऐसे स्पीड बढ़ा के सीधा आसमान की ऊंचाइयों पे ले चलते हैं। ठीक है भाई साहब हम हेलीकॉप्टर के आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा हायर अर्थ एटमोसफेयर में ले आए हैं इसे, और भाई यहाँ पे चारों तरफ भाई बादल ही बादल हैं, बादलों के बीच में इन्होंने लगा रखा है हेलीकॉप्टर। और जैसे ही क्या कहते हैं हमें वो मिलेगा मतलब इनका सिग्नल कि इनकी रेंज में पहुँच गए हम, तो भाई हम कूद जाएंगे। ठीक है भाई साहब निकालते हैं पैराशूट, वो भाई जो प्लेन है वो अपने आप उसमें चला जाएगा। तो भाई साहब हमने लैंडिंग कर ली थी, कोई बड़ी बात नहीं यार, अपना रोज का काम हो गया, अब लैंडिंग वैंडिंग करना ऐसे छोटी मोटी है ना, प्लेन कूद के छोड़ दो आसमान में, वो भाई साहब खुद लैंड हो जाओ ज़मीन पर, तो ये अपने रोज का धंधा हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और आज भाई साहब सिमियोन हमारे लिए बड़ी बेहतरीन मतलब अलग ही कार लाया है भाई एकदम, वो है भाई बुगाटी ला वॉयजर नोयर। लेकिन भाई ये बुगाटी की सबसे महंगी और सबसे बेहतरीन कार है, और भाई ओ भाई क्या रगड़ा मार रही है भाई, सर्कुलर ड्रिफ्ट भाई, ये भाई ओलंपिक बना दिया कतई ड्रिफ्ट मार के। ओ भाई ये दुनिया में सिर्फ एक ही कार बनी है इसलिए सबसे ज़्यादा महंगी है दुनिया में, पता नहीं भाई सिमियोन ने कैसे जुगाड़ ली, भाई रोनाल्डो के पास है कार और सबसे तेज भागती है बुगाटी की, ये क्या कहते हैं जो सेंटो डीसी है ना भाई उससे भी ज़्यादा मतलब रेयर है वो, तो सेंटो डीसी तो फिर भी 10 है, ये सिर्फ एक ही बनी है। और भाई जो सेंटो डीसी में जो इंजन है वही सेम इंजन और स्पेक्स इसके अंदर है, 8 लीटर का क्वाड टर्बोचार्ज W16 इंजन इसके अंदर भी है, सेंटो डीसी के अंदर भी है ना। और भाई साहब आवाज़ देखो भाई, असली आवाज़ आ रही है W16 की, कोई बड़ी भर के ऐसा जूम करके। और अभी क्या कहते हैं हम सिमियोन से कह देंगे कि भाई इसे हमारे होटल से दूरी रखे इस वाली गाड़ी को भी, ठीक है, क्योंकि भाई ये भी वन एंड ओनली कार है, ठीक है, मतलब ये गई तो भाई दूसरी आने की भी नहीं, वो तो भाई फिर भी 10 है, कहीं ना कहीं से दूसरी भी जुगाड़ हो सकती है, ये नहीं हो सकती दूसरी जुगाड़, $13 मिलियन की कार है ये। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना ही, अभी लाइट भी चली गई, ठीक है, और भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज वाली वीडियो में बस इतना ही। तुम्हें इस वाली वीडियो में जाकर पता है क्या करना है, तुम्हें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भाई करना चाहिए एकदम, और हर बार की तरह मिलते हैं इस बार भी अगली वाली वीडियो में अगले हफ्ते अगले सैटरडे।